हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं मिथकोम और आज हम लोग आ गए हैं डिप्लोमा ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर सीरीज के 8th लेक्चर में। इससे पहले हम लोगों ने 7 लेक्चर डिप्लोमा सीरीज पर देख लिए हैं। उन लेक्चर में सारे कंसेप्ट को मैंने समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया है और काफ़ी क्वेश्चन भी कर लिए हैं हम लोगों ने जो डिप्लोमा लेवल पर आते हैं। आप लोगों को वो वीडियो अगर देखना है तो आई टैब में आप जाकर देख सकते हैं और उन वीडियो की हेल्प लेने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत आसानी से ये वाला वीडियो भी समझ में आ जाएगा। आप डिप्लोमा किसी भी बोर्ड से कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, अगर आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है तो ये वाला वीडियो आपके लिए है और आप इस वीडियो को देखने के बाद एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले मैं चाहूँगा आप लोग सभी फ्रेंड को शेयर कर दें, लाइक कर दें और दबा के शेयर और लाइक करें ताकि सभी के पास ये वीडियोस चले जाए और वो सभी जने इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आइए देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसमें 10 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी देख लें कि ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जावे। हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते चलेंगे और जो लेंदी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है उनको नेक्स्ट जब से वापस हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन तो उस समय कर लेंगे उन क्वेश्चंस को। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग करते चलिए। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो डाउट मुझे फोटो खींच के भेज देवे, जिस दिन मैं डाउट क्लास रखूंगा उस दिन उनका डाउट 110% लूंगा और उसको सोल्व भी करूंगा। आइए देखते हैं हम लोग 11th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11th क्वेश्चन में दे रखा है हमें, 11th क्वेश्चन में LHS में दे रखा है 1045 प्लस है माइनस 1045 माइनस है 1045 प्लस है 1045 माइनस है इक्वल टू साइन 2A प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात, तो साइन 2A का एक हाफ एंगल फॉर्मूला होता है वो 10 की फॉर्म में होता है, उस 10 की फॉर्म वाले फॉर्मूले को हमें लेकर आना है। अगर वो 10 की फॉर्म वाला फॉर्मूला हम लेकर आ जाते हैं तो हमने प्रूव कर लिया है। 10 2A का फॉर्मूला जो होता है 2 10A / 1 + 10² है, मतलब ये लेकर आना। ये आप आगे वाली एक्सरसाइज में पढ़ोगे बट क्वेश्चन अभी दे दिया है तो देख लो एक बार। इसका जो फॉर्मूला होता है 10 की फॉर्म में वो होता है 2 10A / 1 + 10² A। ये हमें सोल्व करके LHS को सोल्व करके ये RHS लेकर आना है। आइए स्टार्ट करें इसको। LHS ये रहा क्वेश्चन, अब यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा मैंने, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लेंगे LHS। ये LHS लिया, LHS में हम 1045 प्लस है मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। मैंने जब फॉर्मूले पढ़ाए थे एक फॉर्मूला पढ़ाया था 10 π/4 + b, तो ये वाला फॉर्मूला क्या था, 1 + 10A / 1 - 10A। एक फॉर्मूला तो ये लगेगा, दूसरा फॉर्मूला ये लगेगा 1045 - a वाला। ये फॉर्मूला क्या कहता है, 1 - 10A / 1 + 10A। ये दो फॉर्मूले हमारे यहाँ पे यूज होने वाले। पहले फॉर्मूले लिख लिए, अब फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं हम लोग। देखो कैसे होगा, अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूले को। 1045 प्लस है तो यहाँ लिखो 1 + 10A / 1 - 10A। ये एक रख दिया माइनस ये फॉर्म ये क्वेश्चन वाला, तो वापस इसकी जगह वैल्यू रखो, जगह क्या हो जाएगी 1 - 10A / 1 + 10A। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में आओ, डिनोमिनेटर में आओ वापस यहां पे वही लिखो 1 + 10A / 1 - 10A, फिर प्लस 1 - 10A / 1 + 10A। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी कोई प्रॉब्लम है। हमने केवल क्या किए, इसका फॉर्मूला पुट किया, माइनस लगा के फिर इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, चारों फॉर्मूले पुट किए हम लोगों ने जो यहाँ पे लिखे थे। तो फॉर्मूले पुट करने के बाद अब हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। अब यहाँ देखो ऊपर जो LCM आएगा, ऊपर LCM क्या आएगा, 1 - 10A / 1 + 10A। अगर ऐसा होता है, ऐसा कभी क्वेश्चन में दिया होता है 1/x + 1/y, तो x और y का कॉमन LCM आ ही नहीं सकता, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के हम LCM ले लेते हैं। x से x गया क्या बचा, y बचा, y इंटू 1 क्या हो जाएगा, y, यहाँ y से y गया क्या बचा, x बचा, x इंटू 1 x हो जाएगा। जब भी नीचे कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो हम मल्टीप्लाई करा देंगे डायरेक्ट और LCM हो जाएगा। यहाँ 1 - 10A / 1 + 10A दोनों LCM हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर में मैंने LCM लिया तो क्या हो जाएगा, 1 + 10A / 1 - 10A। देखते चलो, बहुत आसान है, आसानी से कर लोगे आप लोग। अब क्या करना है हमें, LCM तो ले लिया, अब सोल्व करो इसको। 1 - 10A / 1 - 10A चला गया, बचा क्या मेरे पास, 1 + 10A बचा। 1 + 10A / 1 + 10A क्या हो जाएगा, 1 + 10A का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो
अब यहाँ ध्यान से देखना, 1 प्लस 10 है से डिवाइड किया तो 1 प्लस 10 है तो चला गया, बचा गया 1 माइनस 10 है, तो ये 1 माइनस 10 है इंटू 1 माइनस 10 है, क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 है का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर। नीचे आओ, नीचे वापस इसी तरह एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 है इंटू 1 माइनस 10 है, ठीक है ये एलसीएम आ गया। 1 माइनस 10 है से 1 माइनस 10 है कटा, यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर की तरह ही 1 प्लस 10 है का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 10 है का होल स्क्वायर। अब इसको जब आप सोल्व करने जाते हैं, ये देखो a अपॉन b ईआरई फॉर्म बन रही है, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, इसमें क्या होता है जब भी इसको सोल्व करना होता है तो क्या होता है a अपॉन b तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला मल्टीप्लाई में आता है और रिवर्स होकर आता है, तो इसमें भी यही बन रहा है a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, और वाला तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला ऊपर आएगा और कैसे आएगा रिवर्स होके आएगा। इसको थोड़ा सा रखेंगे हम तो क्या होगा, देखो ऊपर वाला न्यूमरेटर 1 प्लस 10 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस 10 ए। अब डिनोमिनेटर रिवर्स होके ऊपर आ रहा है तो ये वाला ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 प्लस 10 ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर। देखो अब यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली टर्म 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 ऐसे कट जाएगी, 1 माइनस 10 है, 1 माइनस 10 ऐसे कट जाएगी, ये दोनों कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है और यहाँ पे बीच में माइनस है। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले अब हमें अप्लाई करने हैं, यहाँ लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो अप्लाई कर रहा हूँ मैं, जैसे ही अप्लाई करता हूं मैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2a क्या है मेरे पास 10a, b क्या है मेरे पास 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर n स्क्वायर a, ठीक है। फिर माइनस इसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, यहां अप्लाई करो तो यहां पे अप्लाई किया तो मैंने 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 10a प्लस 10 स्क्वायर a, ये ऊपर और नीचे फॉर्मूले अप्लाई करने, मेरे को यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ 1 प्लस 2 10 ए अपॉन प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस यहाँ अप्लाई करूँगा 1 माइनस 2 10 ए प्लस 10 स्क्वायर, ये दोनों जगह मैंने फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। अब इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, 210 है 210 ही रहेगा, प्लस 10 स्क्वायर है ऐसे ही रहेगा, यहाँ ब्रैकेट ओपन किया साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस से ओपन कर रहे हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। नीचे देखो 1 प्लस 210 है प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 210 है प्लस 10 स्क्वायर। अब देखो कुछ कैंसल आउट हो रहा होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली तभी सोल्व होगा, ये 1 प्लस का और ये 1 माइनस का कट जाएगा, 2 10 है नहीं कटेगा, 10 स्क्वायर है और 10 स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ से तो बच जाएगा मेरे पास 2 प्लस 2 4 10 है, ये 2 10 है यहाँ से बचा, 2 10 है यहाँ से बचा, ये कटेंगे नहीं, दोनों प्लस के हैं जुड़ जाएंगे तो 4 10 हो जाएंगे, 2 गधे प्लस 2 गधे 4 गधे। अब यहाँ पर आओ तो 2 10 से 2 10 कट जाएगा, 1 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 10 स्क्वायर है प्लस 10 स्क्वायर है, एक गधा और एक गधा कितने गधे 2 10 स्क्वायर है। अब क्या होगा नीचे, क्या एलसीएम आ जाएगा, नीचे कॉमन आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4 10 ए अपॉन 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ये तो कट जाएगा इससे दो बार, तो आया मेरे पास 2 10 ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है साइन हुए का, यही हमें लेकर आना था। बधाई हो आप सबको, नहीं समझ में आया हो तो वापस से देख लेना।
आराम से समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12th और 13th आप लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जबरदस्ती के लेंथी क्वेश्चन है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पर्सनल क्लास में सोल्व करवा दूंगा। हम लोग क्या करते हैं, जूम की पर्सनल क्लास, मैथमेटिक्स की पर्सनल क्लास भी रखते हैं। वो वाली क्लास आप जूम पर अटेंड कर सकते हैं मेरे साथ। तो उस क्लास में मैं आप लोगों को 1-to-1 बहुत आसानी से एक बच्चे को एक एक क्वेश्चन ईजी वे में समझाता हूँ। यहाँ पर सभी के हिसाब से मुझे चलना पड़ता है। अब मैं बात कर लेता हूँ 14th क्वेश्चन की। 14th भी अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। 14th कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं हम लोग। क्या गिवन क्या है सबसे पहले वो देखो। गिवन है हमें इसमें इफ 10 इज इक्वल कोट पाई साइन थीटा देन प्रूव दैट। ये आया हुआ भी क्वेश्चन है 2015 में। एक बात याद रखो दिमाग में, एक दिमाग में बात क्लियर हो जानी चाहिए आपके कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 कोट से कोसेक में दे रखा है तो उसको ऐसी कोशिश करो कि साइन या कोस में लेकर आवे, क्योंकि साइन या कोस में क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है। वही ट्रिक हम यहाँ पर अपनाने वाले हैं। अब 10 पाई कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपन कोस थीटा। और ये वाला एंगल हो गया उसका, ये पूरा क्या हो गया, एंगल हो गया। ये यहाँ पर ये पूरा एंगल हो गया, इसको कन्फ्यूज नहीं होना है। केवल हम बाहर वाले को चेंज कर रहे हो, तो 10 को मैं अगर चेंज करता हूँ 10 क्या हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा की जगह मेरे पास क्या है पाई कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस पाई कोस थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, कोट को मैं साइन कोस में चेंज करता हूँ तो कोस अपॉन साइन होता है। ये हो जाएगा कोस पाई साइन थीटा अपॉन साइन पाई साइन थीटा। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या। अब आगे आओ, आगे क्या कह रहा है वो, अब मुझे क्या करना है, इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो और कुछ नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते ही क्या आएगा, देखो साइन का साइन पाई कोस थीटा इंटू साइन पाई साइन थीटा इज इक्वल टू कोस पाई कोस थीटा इंटू कोस पाई साइन थीटा। ठीक है, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इससे इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं क्या आता है देखो। अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करने जाते हो तो यहाँ देखो साइन के साथ क्या बन रहा है, पाई कोस थीटा, इसको मैंने ले लिया ए, डेट ए इज इक्वल टू पाई कोस थीटा। और यहाँ साइन के साथ क्या बन रहा है, पाई साइन थीटा, तो बी इज इक्वल टू पाई साइन थीटा। यहाँ पे भी यही बन रहा है, पाई कॉस थीटा और पाई साइन थीटा। और तो अब क्या करो, ए और बी को रिप्लेस करो जरा, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कोस ए इंटू कोस बी। ठीक है, फॉर्मूला बन रहा है क्या, कोस ए कोस बी आता है और साइन ए साइन बी आता है किसी क्वेश्चन में, तो हाँ भाई ये फॉर्मूला बन रहा है। हम क्या करेंगे, एक काम करो इसको उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, जीरो। अब ये देखो फॉर्मूला बन रहा है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का, क्लियर। अब ए प्लस बी में ए और बी की वैल्यू रख दो, तो कोस ए की वैल्यू क्या मानी थी हमने, इज इक्वल टू क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर, जीरो पड़ा हुआ है। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, कोस इधर जीरो में चला जाएगा तो कोस इनवर्स जीरो हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो ये क्या होगा, देखो ये हो जाएगा पाई कोस थीटा प्लस पाई साइन थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स जीरो। और कोस जीरो की, कोस जीरो कोस में जीरो कब आता है, कोस में जीरो आता है 90 डिग्री पे, किस पे आता है 90 डिग्री पे। तो यहाँ आ जाएगा पाई कॉमन ले लूँ कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब इस पाई बाय टू से ये पाई से पाई कट गया तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा। ये हो गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1/2। यहाँ पे क्योंकि ये कोस इनवर्स प्लस माइनस दोनों पे आता है जीरो, तो इसलिए प्लस माइनस यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन में प्रूव कर रहा है वो देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है मुझे, एक एंगल यहाँ पे दे रखा है पाई बाय फोर, यहाँ पे पाई बाय 1/√2 दे रखा है, तो दोनों तरफ क्या करूँ मल्टीप्लाई करा दूँ 1/√2 से। 1/√2 से मल्टीप्लाई कराने पर आएगा 1/√2 कोस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 इंटू टू। ये आर एच एस तो मेरा आ गया। अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन रूट टू, क्योंकि जो फॉर्मूला बन रहा है कोस में बन रहा है तो कोस वाला ही लिख सकता हूँ। कोस में वन अपॉन रूट टू कहाँ आता है, तो कोस में वन अपॉन रूट टू आता है कोस पाई बाय फोर पर, मैं इसको ही लिख सकता हूँ कोस थीटा इंटू कोस पाई बाय फोर। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, साइन में कहाँ पे आता है, साइन थीटा इंटू साइन पाई बाय फोर इक्वल टू प्लस माइनस टू रूट। अब ये देखो कोज ए कोज बी प्लस साइन ए साइन बी, कोज ए कोज बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला हो गया कोज ए माइनस बी का, तो कोज ए बी की जगह क्या है मेरे पास पाई बाय फोर इज इक्वल टू प्लस माइनस वन अपॉन टू रूट टू। तो जो मुझे लेकर आना था वो हम लेकर आ गए। थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पर ट्रिक कहाँ पे अप्लाई हो रही है, ये यहाँ ट्रिक अप्लाई हो रही है। ये ट्रिक कैसे पता चलेगी, ये पता चलेगी मुझे क्वेश्चन में आरएचएस में वन अपॉन रूट टू लेकर आना है। अगर ये ट्रिक आपको याद आ गई तो आप कर लोगे, दो बार क्वेश्चन को सोल्व करना आसानी से हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 एग्जाम्पल 15 हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 310A इंटू 10B इज इक्वल टू 1 गिवन है, हमें प्रूव करना है 2 cos A प्लस बी इक्वल टू cos A माइनस बी, ये हमें प्रूव करना है। इसको सोल्व करने के लिए वही ट्रिक अपनाएंगे हम लोग ट्रिक क्या अपनाएंगे सोल्व करने के लिए, कि जो टेन वाले एंगल है उनको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। देखो कैसे सोल्व करोगे आप लोग इसको, टेन को साइन कोस में कन्वर्ट, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे थ्री साइन ए अपॉन कोस ए इंटू साइन बी अपॉन कोस बी इक्वल टू वन। थोड़ा सा और अरेंज करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी ऑन कोस ए कोस बी, थ्री उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 1/3। थोड़ा सा इसको और अरेंज करेंगे क्योंकि कोस के फॉर्मूले चाहिए मुझे न्यूमरेटर में, तो इसको रिवर्स कर दूंगा। कोस वाली टर्म आप ऊपर ले आओ, कोस ए डॉट कोस बी अपॉन साइन ए साइन बी, दोनों तरफ रिवर्स कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है। अब क्या यूज होगा, एक रूल यूज होगा जिसको बोलते हैं हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अब ये रूल क्या कहता है, ये कहता है कि न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह लिख लेंगे और डिनोमिनेटर को माइनस प्लस और माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा देखो, कोज ए कोस बी ये न्यूमरेटर में भी आ गया और इसी को हम डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे कोस ए कोस बी। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को प्लस कर देंगे ऊपर और नीचे माइनस कर देंगे, साइन ए साइन बी यहाँ माइनस कर दिया साइन ए साइन बी। अब इसको भी सोल्व करो इसी तरह, 3 को ऊपर भी लिख दिया 3 को नीचे भी लिख दिया, 1 को प्लस कर दिया और 1 को माइनस कर दिया। अब इनको सोल्व करोगे तो देखो ऊपर फॉर्मूला बन रहा है कोज ए कोज बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन रहा है ध्यान से देखोगे तो कोज ए माइनस का, नीचे फॉर्मूला बन रहा है कोज ए प्लस बी का, यहाँ हो जाएगा 2/3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4/2 मतलब 2। उसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा कोज ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू कोज ए प्लस बी, यही प्रूव करना था हमें। देखो बिल्कुल यही पर प्रूव करना है 2 cos a plus b is equal to cos a minus b, तो ये हमारा हेंस प्रूव हो गया। यहाँ पे भी थोड़ी सी ट्रिक है, ये वाली ट्रिक अगर आपको याद आएगी तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो इन ट्रिक्स वाले क्वेश्चन को अब अच्छे से कर लो क्योंकि यही एग्जामिनर एग्जाम में आपसे पूछता भी है, तो उसे पता है ट्रिक वाले में ट्रिक में अटक जाएंगे बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट 16th वाला क्वेश्चन देख लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसको कैसे करना है, 16th वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन, यहाँ आसानी से देख पाओगे बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, मेरा पिछले 4 साल पिछले 10 सालों का अनुभव ये कहता है।
अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय फोर, और हमें प्रूव करना है 10 में। क्लियर हो जाता है, ये दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाती है, 10 में प्रूव करना है तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे, 10 लगा देंगे। तो अप्लाई 10 बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 10 पाई बाय फोर। अब 10 a प्लस बी तो ऐसे ही रहेगा, बट 10 पाई बाय फोर की वैल्यू हम लोग जानते हैं टेबल से, 10 पाई बाय फोर मतलब 10 45, उसका मान होता है 1। अब 10 a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर दो, हम जानते हैं 10 a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 10 a प्लस 10 बी ऑन 1 माइनस 10 a 10 बी। इस वाले क्वेश्चन में भी एक ट्रिक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कहा गया है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा 10 a प्लस 10 बी इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 10 a 10 बी। देखो सोल्व करो थोड़ा सा अच्छे सा, 10 a ऐसा ही रहेगा प्लस 10 b ऐसा ही रहेगा, वहां ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो 1 माइनस 10 a 10 b रहेगा। जो प्रूव करना है उसमें 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 b है। एक काम करो, 10 वाले सारे एक तरफ ले आओ और इधर बिना 10 वाला है उसको अकेला रहने दो, तो क्या हो जाएगा 10 a प्लस, ये इधर माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 a 10 b प्लस ये वाला 10 b 10 b इज इक्वल टू 1। अब जो प्रूव करना है उसमें इस तरफ क्या है 2 है, यहीं पे ट्रिक है और इस ट्रिक को आपको याद रखना है, यही ट्रिक है और इस ट्रिक को आपको याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। यहाँ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो क्या करूंगा, एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों तरफ 1 को ऐड कर दो, दोनों तरफ 1 को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या फर्क पड़ता है उसे, ये देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 a प्लस, इन दोनों में कॉमन देखो 10 b कॉमन है तो 10 b कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस 10 a, यहां से 1 बच जाएगा और यहां से 10 a बच जाएगा, और ये 1 प्लस 10 a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहां पे प्लस 1 ऐड करने को कहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में अब कॉमन देखो ये 1 प्लस 10 है, ब्रैकेट पूरा कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 10 a कॉमन आ गया पूरा ब्रैकेट, तो यहां से क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, और यहां से क्या बच जाएगा 10 b बच जाएगा, 1 प्लस 10 b इज इक्वल टू 2। यही मुझे लेके आना था, हाँ यही लेके आना था। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो और अच्छे से कर लो और समझ में आ जाएगा दो बार देखोगे तो। अब बात कर लेते हैं हम लोग आपकी एक्सरसाइज की, बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कौन से क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे और मैं सोल्व करूंगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में। एक्सरसाइज में आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो, फर्स्ट के सारे पार्ट कर सकते हो, सेकंड के सारे पार्ट कर सकते हो, थर्ड कर सकते हो, फोर्थ कर सकते हो, फिफ्थ भी कर सकते हो, सिक्स भी कर सकते हो, इन पे एक क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, सेवन्थ के सारे पार्ट आप लोग कर सकते हो। 15 की बात है तो 15 को ऐसे टुकड़े करोगे, साइन 45 माइनस थी तो ये 15 बन जाएगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है तो हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना नहीं होगा तो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, इसका आंसर 4 आता है, तो कई बार पूछा जाता है। फिर उसके बाद आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें 10 था, यहाँ पे कोट है, तो आप दोनों तरफ कोट रख के सोल्व करना नहीं आता है तो मैं बता दूंगा। इन वाले क्वेश्चन में आप लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं होते हैं तो मैं सोल्व करवाऊंगा, मतलब आप लोग क्या कर सकते हो, 1 से लेकर 7 तक आप लोग करना, 8 के बाद वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज में सोल्व करवाने, नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को लोगों ने क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए एक्सरसाइज 3 के, और इन्हीं क्वेश्चंस के हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, अपनी प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करने के बाद जो भी रिजल्ट आप लोगों का आता है वो मुझे बताएंगे, और किसी में डाउट है तो भी मुझे बताएंगे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देंगे। आप लोगों का धन्यवाद।